Hello dear students, class 5th poem Vocations, which is composed by Rabindranath Tagore. Summary. On his way to school or even at home, the child meets a hawker, gardener and a watchman. In this poem, the child speaks of them. बच्चा अपने घर से स्कूल जाते समय या कभी कभी घर पर तीन लोगों से मिलता है जिनसे वो बहुत इंस्पायर हो जाता है. वो होता है हॉकर, हॉकर होता है ठेले वाला, गार्डनर माली, वॉचमैन यानी कि चौकीदार जो होता है रात को पहरेदार. और इस पोएम में वो इनके बारे में बात करता है. द हॉकर सेल्स बैंगल्स, जो हॉकर है ठेले वाला वो चूड़ी बेचता है, और गार्डनर है वो मिट्टी को खोदता है, और वॉचमैन है वो रात को नाइट में वॉच करता है. बच्चा जो है वो उनसे एनवियस यानी कि जेलस फील करता है, बिकॉज दे ऑल सीम फ्री वाइल ही इज़ नॉट. वो सब बहुत ही आज़ाद मस्त लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जबकि बच्चे को लगता है ऐसा उसके साथ नहीं, उसके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है. एवरी डे ऑन हिज वे टू स्कूल ही सीज द हॉकर सेलिंग बैंगल्स. हर सुबह सबसे पहले जब वो घर से स्कूल निकलता है तो वो एक हॉकर से डेली मिलता है, हॉकर ठेले वाले से जो कि चूड़ियाँ बेच रहा होता है. He seems to choose any road he likes. उसे लगता है कि चूड़ी बेचने वाला कोई भी रोड ले सकता है जहाँ वो जाए, मतलब किसी भी रास्ते पे निकल सकता है. He has no fixed time even of returning home. उसके घर लौटने का भी कोई समय नहीं है, वो कभी भी घर लौट सकता है. The child wishes that he were a hawker. बच्चा सोचता है कि काश वो भी एक ठेले वाला होता. अच्छा, हम बाहर से कोई भी चीज़ देखते हैं ना, हमें उसका असलियत नहीं पता होती. The life of a hawker is not that easy and he is not very wealthy. अमीर भी नहीं होते हैं वो लोग. From the gate of his house, he sees the gardener digging ground and soiling his clothes. फिर जब वो घर आ जाता है, किसी के दरवाजे से वो ढांकता है और देखता है एक गार्डनर जो रोज मिट्टी खोद रहा होता है और अपने कपड़ों को मिट्टी में सान रहा होता है. नो वन आस्क हिम नॉट टू डिग ग्राउंड. कोई उसे नहीं कहता कि तुम ग्राउंड मत खोदो, नॉर टू सॉइल हिज क्लोथ्स, ना ही कोई से मना करता कि तुम अपने मिट्टी में कपड़े मत गंदे करो. ही सो फ्री दैट द चाइल्ड एस्पायर्स टू बी अ गार्डनर. उसे लगता है ये कितना आज़ाद है गार्डनर, एक माली, तो उसे लगता है काश मैं भी एक माली बन जाऊँ. एट नाइट थ्रू द ओपन विंडोज ऑफ हिज रूम ही सीज द वॉचमैन मूविंग अप. अब जब रात हो जाती है, बच्चा ना चाहते हुए भी बेड पे चला जाता है अपनी मम्मी के फोर्स करने पर, तो वो अपनी विंडो से देखता है कि द वॉचमैन मूविंग अप एंड डाउन. उसके विंडो में से दिख रहा होता है कि वॉचमैन इधर से उधर जा रहा है, लेन पर घूम रहा है रात को, जबकि वो मजबूर होकर अपने रूम में बैठा हुआ है क्योंकि उसे बाहर जाना इस समय अलाउड नहीं है. नो वन टेल्स द वॉचमैन दैट इट इज़ नाइट एंड ही मस्ट गो टू बेड. उसे लगता है कि मुझे तो रोज़ इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि मुझे सोने चला जाना चाहिए कि रात हो गई, लेकिन एक वॉचमैन को कोई नहीं कहता कि उसे भी अब रात हो गई है, उसे भी अब बिस्तर पे चला जाना चाहिए. सो लास्ट में द चाइल्ड विशेज टू बी अ वॉचमैन. सोते समय भी उसे लगता है कि वॉचमैन की लाइफ कितनी अच्छी है, मुझे भी एक वॉचमैन बनना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी रास्ते में जा सकता हूँ, अपनी परछाइयों को फॉलो कर सकता हूँ, स्ट्रीट्स पे घूम सकता हूँ, और शायद ही कभी सोने के लिए मुझे कोई कहे. लेकिन बच्चा छोटा है, उसे इमैच्योर नेचर है, उसे इन सब की लाइफ की हार्डशिप्स के बारे में नहीं पता कि उसे तो पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छी जॉब करनी चाहिए. लेकिन बच्चे को दूसरों से इंस्पायर होकर उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है. तो इस पोएम में बच्चे ने 3 विशेज बच्चे की हैं, दैट फर्स्ट ही वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर, सेकेंड स्टेंजा ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर, एंड इन द लास्ट स्टेंजा ही वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन एंड बी फ्री एंड विश टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स. तो ये थी पोएम की समरी. मिलेंगे बुक एक्सरसाइजेज में. बाय बाय.